इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन ड्राइव के बारे में। तो फ्रेंड, आप भी यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन आपके पीसी या लैपटॉप में आप जो पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो इस पेन ड्राइव हमारा पीसी में शो नहीं होता है। तो आपके पास इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हो? तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चले फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस हमारा जो पीसी है, तो इस पीसी में हम सबसे पहले पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए कि इस हमारा जो पेन ड्राइव है, तो इस पेन ड्राइव को मैं सबसे पहले सीपीयू में लगा देता हूँ, और लगाने के बाद चलिए मैं कंप्यूटर में जाके आपको बता देता हूँ कि हमारा पेन ड्राइव शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने सीपीयू के साथ पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद चले मैं कंप्यूटर में जाके आपको बता देता हूँ कि हमारा पेन ड्राइव ने कनेक्ट किया है, भाई हमारा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, आपके पास इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको आसान तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने कंप्यूटर का फोल्डर ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद आप देख लीजिए कि उसमें हमारा कोई पेन ड्राइव शो नहीं हो रहा है। तो मैंने पेन ड्राइव सही से हमारा कनेक्ट हो गया है, लेकिन हमारा पीसी में पेन ड्राइव शो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, आप भी यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन आपके पास इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके पीसी में पेन ड्राइव शो नहीं हो रहा है, तो आपको आसान तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा पीसी में हमने पेन ड्राइव कनेक्ट किया है, लेकिन हमारा पेन ड्राइव उसमें शो नहीं हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद आपको जो कंप्यूटर का फोल्डर है, तो इस फोल्डर पे आपको माउस से राइट साइड क्लिक करना है। तो चलिए, मैं कंप्यूटर पे माउस से राइट साइड क्लिक करता हूँ, और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको मैनेज पे क्लिक करना है, और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। तो आपको साइट में डिस्क मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। और तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि हमारा पेन ड्राइव है, तो इस पेन ड्राइव हमारा पीसी में सही से कनेक्ट किया है। तो आप देख लीजिए कि हमारा पेन ड्राइव शो हो रहा है, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर में पेन ड्राइव है वही हमारा शो नहीं हो रहा है। हमारा पेन ड्राइव है, तो इस पेन ड्राइव हमारा सही से कनेक्ट भी हो गया है, लेकिन हमारा पीसी में शो नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि हमारा 32 GB का पेन ड्राइव है, लेकिन हमारा कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा है। तो चलो, मैं फिर से आपको कंप्यूटर को फोल्डर ओपन करके बता देता हूँ। तो चलो, मैं इस कंप्यूटर का फोल्डर है मैं ओपन कर देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा पेन ड्राइव उसमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा पेन ड्राइव है, तो इस पेन ड्राइव हमारा सही से पीसी के साथ कनेक्ट हो गया है, लेकिन कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है? तो आपको जो पेन ड्राइव है, तो इस पेन ड्राइव पर आपको सबसे पहले देख लेना है कि हमारा पेन ड्राइव सही से हमारा कनेक्ट है, लेकिन हमारा कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले जो पेन ड्राइव आपको शो हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो उसमें आपको माउस से राइट साइड क्लिक करना है। तो अब देख लीजिए कि हमारा जो 32 GB का पेन ड्राइव है, तो इस पेन ड्राइव हमारा पीसी में शो नहीं हो रहा है। तो उसमें मैं माउस से राइट साइड क्लिक कर देता हूँ, राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको चेन ड्राइव लेटर पे क्लिक करना है। तो अभी देख लीजिए कि आपको चेन ड्राइव लेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो चलिए, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें जो लेटर है, तो वही लेटर आपको चेंज करना है। फ्रेंड, आपको उसमें ध्यान रखना है कि हमारा जो ड्राइव है, तो हमारा सी ड्राइव और हमारा डी ड्राइव है, तो उसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको दूसरा लेटर सिलेक्ट करना है। चलिए, मैंने एच लेटर को सिलेक्ट किया, हमारा एच लेटर का कोई ड्राइव नहीं है, तो मैंने एच ड्राइव को सिलेक्ट किया, और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, और ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा जो पेन ड्राइव है, तो इस पेन ड्राइव हमारा पीसी में शो हो जाएगा। तो चलिए, मैं क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा पीसी में पेन ड्राइव शो हो गया है। तो चलिए, मैं कंप्यूटर का फोल्डर ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा 32 GB का जो पेन ड्राइव था, वही हमारा पीसी में शो हो गया है। जो मैंने 8 लीटर को सिलेक्ट किया था, वही हमारा 8 लीटर भी आ गया है। तो इस तरह आपके पीसी या लैपटॉप में पेन ड्राइव को शो नहीं हो रहा है, तो आपको इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है, तो वही प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड, जो सभी प्रोसेस था, तो इस प्रोसेस में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू।